हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल जानकार बनिए में। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने किसकी पिक डाल रखी है, तो आप इन्हें जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बताऊँगा। ये मशहूर गायक सिंगर हैं के कृष्णनाथ कुन्नत। तो आज हम आपको इनके बायोग्राफी में आपके बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो कृष्ण कुमार कन्नत यानी कि के जिन्हें आप के नाम से जानते हैं, एक प्लेबैक सिंगर के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 4 सालों में 3500 से अधिक जिंगल लिखे थे। मंगलवार को बॉलीवुड गायक के यानी कृष्ण कुमार ने अंतिम सांस ली। उनके आकस्मिक निधन ने संगीत और फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में छोड़ दिया। 53 वर्षीय के अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए कोलकाता गए थे, वहाँ वह गिर गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आइए इस वीडियो के माध्यम से केके के जीवन से जुड़े आपको महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो कृष्ण कुमार कुनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 23 अगस्त 1968 में हुआ था। उनका जन्म एक मलयाली परिवार में कुन्नाथ कनकवली और सीएम मेनन के घर हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण नई दिल्ली में हुआ था। कृष्ण कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर थे। उनकी शादी 1991 में हुई थी और वो अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। अगर उनकी शिक्षा की बात करी जाए तो के ने दिल्ली माउंट सेंट मैरी स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। अगर उनके फिल्म करियर की बात करें, के ने अपने करियर की शुरुआत बेहद विनम्र तरीके से की है। एक प्लेबैक सिंगर के रूप में संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्होंने 4 सालों में 3500 से अधिक जिंगल लिखे हैं और गाए हैं, जो अलग अलग भाषाओं में थे। यार रहमान प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में बेहद करीब लेकर आए। के ने कुछ टेलीविजन शो जैसे जस्ट मोहब्बत और शकलाका बूम बूम के लिए भी गाया था। 1999 में हम दिल जीत चुके सनम के तड़प तड़प सॉन्ग ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। म्यूजिक की दुनिया में प्रभाव उनका बहुत रहा। के किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन जैसे प्रसिद्ध गायकों से काफ़ी प्रभावित थे। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर वह माइकल जैक्सन, लेड जैपलिन, ब्राइड एडमस और बिली जोएल से बेहद प्रेरित थे। के ने कोई म्यूजिक की शिक्षा नहीं ली और वह स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिभा से धन्य थे। तो दोस्तों, उनकी कुछ छोटी सी बायोग्राफी रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। तब तक आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़। और मैं ऐसा करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति हो, दिल सर की, तो आप भी कमेंट में जय श्री राम लिख देना। थैंक यू।